इंदौर नगर निगम ने पेंटिंग कार्निवल के तहत वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न वर्गों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। 35 से अधिक चित्रकारों ने बालगुने मंदिर की दीवार पर आकर्षक चित्रकारी की। निगम द्वारा शहर को स्वच्छ बनाने के साथ ही सुंदर बनाने के उद्देश्य से वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि बाल विनय मंदिर की दीवार पर प्रतिभागियों द्वारा सुंदर चित्रकारी बनाई गई है। प्रतियोगिता के अवलोकन के दौरान निगमायुक्त अपने आप को रोक नहीं पाई और खुद भी चित्रों के रंग भरने लगी। निगम द्वारा चित्रकारों को पेंट, ब्रश व अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित वॉल पेंटिंग में जज के रूप में शुभा ताई वैद व दलित लोकरे उपस्थित थे, जिसका परिणाम आगामी दिवस में घोषित किया जाएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब हमारे खुद के स्टेक्स किसी चीज में लगते हैं तो हमें चिंता और ज्यादा होती है, और इंदौर की ये खास बात है कि यहाँ के लोग हर चीज में अपने स्टेक्स फील करते हैं, और यही कारण है कि हम लोग लगातार 4 बार से नंबर 1 है। तो यही प्रयास आज किया गया है कि ये पेंटिंग कार्निवल में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग उम्र के लोग हैं, कुछ प्रोफेशनल लोग हैं, कुछ शौकिया लोग हैं, हर तरीके के लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया है। और पेंटिंग कार्निवल का ये जो फेज़ 1 है, इसमें आज जो टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि उन्होंने एज अ कॉम्पिटिशन नहीं बल्कि अपने शहर को सुंदर बनाने में जो पार्टिसिपेट किया, उसके लिए हम लोग उनके लिए थैंकफुल भी हैं। और इसी तरीके से शहर के और लोग भी जो भले ही इस कंपटीशन में भाग न ले रहे हो, लेकिन कम से कम हम अपने शहर को साफ रख सकते हैं, और सफाई से बड़ी कोई और सुंदरता नहीं है। तो आज की जो पूरी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, हमारे जजेस यहाँ पर हैं जो इसको जूरी जज करेगा पूरे ब्लॉक्स को, और डिसाइड करेगा कि जो अच्छे पेंटिंग्स हैं उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस तरीके से सिटीजन पार्टिसिपेशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे।